मारुति सुजुकी भारत की ऑलरेडी नंबर वन कार मेकर कंपनी है और ऐसे में नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रही है, उनको नए फॉर्म में यूज कर रही है। अब एक ऐसी गाड़ी की बात करने जा रहा हूं जी इस वीडियो में जिसको कमर्शियली नहीं पर्सनल लेवल पे भी यूज किया जाता है। इस गाड़ी को दिल्ली NCR वालों ने इतना यूज किया है कि मैंने कभी भी इस गाड़ी को इतने ज्यादा नंबर में किसी और सिटी में नहीं देखा, या मैं कहूँ जहां जहां भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस सिटी में इस गाड़ी को दबदबा है जी। बहुत सी कंपनी इस गाड़ी को खरीदती हैं, इनको कमर्शियल यूज करती हैं और कमर्शियल के साथ साथ इसको पर्सनल यूज भी करते हैं। अगर आप अपने लिए 5 से 6 लाख रुपए में एक MPV ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं जी। मैं आज बात करने वाला हूं जी मारुति सुजुकी इको की, जो आती तो 5 सीटर है लेकिन इसमें बड़े आराम से 7 बंदे बड़े आराम से बैठ जाते हैं। इसमें बहुत से अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं, जैसे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, इसमें एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलता है, डिस्टेंस टू MT फीचर मिलती है, उसमें एनालॉग प्लस जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, मल्टी फंक्शन जो है वो डिस्प्ले मिलता है, डिजिटल ओडोमीटर मिलता है, ड्राइवर सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट मिलती है जी, एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, ड्राइव मोड मिलते हैं इसमें और डिजिटल फ्यूल लेवल गेज मिलती है। मारुति इको का जो इंटीरियर है वो अब और भी ज्यादा रिफाइंड होने वाला है क्योंकि इसको एक फैमिली MPV के रूप में भी मारुति लॉन्च करने वाली है। ये है तो 5 सीटर, इसमें 7 बंदे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगी आपको, उसके अलावा पीछे तो आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगी और सस्पेंशन बहुत अच्छी है, 13 इंच टायर के साथ ये आती है। लेकिन नई वाली जो गाड़ी होगी वो आएगी जी 13 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ। इसकी जो लेंथ है वो 3675 mm की होगी, तो आप देख सकते हो कि 7 बंदे बड़े आराम से इसमें बैठ जाओगे। 1475 mm की विड्थ रहेगी, तो गाड़ी इतनी चौड़ी है कि बड़े आराम से आप इसको कमर्शियल लेवल पे भी यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट 920 kg की गाड़ी रहती है, तो लाइट वेट गाड़ी रहेगी और इसका जो इंजन है वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है, इसलिए इसकी फ्यूल एवरेज भी जो है वो बहुत अच्छी रहती है। इसका 40 लीटर का फ्यूल टैंक रहता है और जो बूट स्पेस है सुनके हैरान हो जाओगे, 540 लीटर का बूट टैंक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत सी कमर्शियल कंपनियां इसको क्यों खरीदनी है। अब इसके अल्टरनेटिव पहले ये माने जाते थे कि रेनॉल्ट क्विड है, मारुति सेलेरियो या वेगनार वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब इसके कॉम्पिटिटर हैं जी किया कैरेंस को आप बोल सकते हो, MPV जो है, उसके अलावा महिंद्रा मराजो को आप बोल सकते हो, उसके अलावा टोयोटा अनोवा को बोल रहे हो, जितने भी मैंने ये नाम लिए ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं और इनका प्राइस एज कम्पेयर टू इको बहुत ज्यादा है। जितनी प्राइस में अनोवा आती है इतने प्राइस में तो आप 5 इको खरीद सकते हो और अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खोल सकते हो। उसके अलावा इसका जो लेटेस्ट प्राइस था वो मैं आपको बता देता हूँ, जो 2023 में लास्ट टाइम जो लॉन्च हुई थी तब 5 सीटर जो गाड़ी आती थी वो 73 PS की पावर जो है वो जनरेट करती थी और 101 Nm का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करती थी। उसके अलावा इसमें जो इंजन आता था वो आता था जी 1196 cc, तो 1200 cc का इंजन ऑलमोस्ट आता था और लास्ट टाइम जब ये लॉन्च हुई थी तो इसका प्राइस था जी 6,40,000 rupees। अभी इसमें CNG किट भी लगी आती है, AC भी आता है, बहुत सी फीचर्स हैं जो इसमें आती हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा इसकी अट्रैक्टिव फीचर जो रही है वो रहा है जी इसका इंजन, बहुत ही रिफाइंड इंजन इसमें के सीरीज का डाला गया था जिसकी सिटी में माइलेज होती थी जी 17 km/L। पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ भाई मैं, जितना मर्जी लोड कर लो गाड़ी में ये इंजन इतना रिफाइंड है कि आपको 17 से 18 की विद इन सिटी आपको फ्यूल एवरेज देता है। उसके अलावा इसकी जो हाईवे की फ्यूल एवरेज है वो होती है जी 22 से 23, तो इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन ही आपको मिलता है, किसी तरह का कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको नहीं मिलता है। अब इसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स थी, जैसे इसका जो इंजन टाइप था जो आप इंजन देख रहे हो G12B टाइप इंजन था, अच्छी पावर जनरेट करता था, अच्छी टॉर्क जनरेट करता था, 4 सिलेंडर इंजन होता था इसमें और ये इनलाइन DOHC टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ था। ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये महिंद्रा बोलेरो की तरह रियर व्हील ड्राइव रही है और गाड़ी का जो मैक्सिमम स्पीड है वो रहा है जी 145 km/h। अब नए वाली गाड़ी जो आएगी ये आएगी जी प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ और इसमें नया बॉडी शेप दिया गया है इसको, क्योंकि इस गाड़ी के दो वेरिएंट जो है वो लॉन्च होंगे, एक तो कमर्शियल यूज के लिए और एक होगा पर्सनल यूज के लिए। अब मेरे हिसाब से जो इंडियन मिडिल क्लास फैमिली एक गाड़ी ढूंढ रही है जी 6 से 7 lakh rupees में MPV टाइप, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑफर रहेगा। ये गाड़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च हो जाए और इस गाड़ी में बहुत से अच्छे अच्छे फंक्शन दिए जाएंगे, 9 इंच का टच
स्क्रीन आपको दिया जाएगा, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए जाएंगे, एक नया डैशबोर्ड आपको मिलने वाला है, एक टोटली रीडू इंटीरियर आपको मिलेगा, एक्सटीरियर मिलेगा, नई सस्पेंशन मिलेगी, नया इंजन मिलेगा इसमें, और इस गाड़ी में डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको मिलने वाली हैं, तो गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल होने वाली है। उसके अलावा इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे, और इसके अलावा जो इसका टच स्क्रीन होगा उसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों आपको मिलने वाले हैं। इस गाड़ी को शायद डायमंड कट अलॉय के साथ पेश किया जाएगा, जिसका साइज होगा जी 17 इंच, और इसकी जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो आप और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ताकि आप इसको ऊबर खाबर रस्तों पे भी चलाया जा सकते हो। अब ये टोटली MPV स्टाइल में देखोगे आप इसको, शायद इसमें ऑलरेडी जो नया इंजन चल रहा है मारुति में वो भी आएगा। ये MPV स्लाइडिंग डोर के साथ आती है, जैसे या कैरेंस आती है या और भी बहुत सी गाड़ी होंगी जैसे कि यह कार्निवल आती है, वैसे स्लाइडिंग डोर इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसका नया इंटीरियर आपको बहुत ज्यादा शॉक करने वाला है। मारुति सुजुकी इको अब वो पुराने वाली बोरिंग वैन नहीं रहेगी, ये एक नई MPV के रूप में मार्केट में आने वाली है, जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस होगी, जिसमें आप पहले बच्चे ढोने का काम करते थे, स्कूल छोड़ने का काम करते थे, अब इस गाड़ी को आप फैमिली में रखोगे, जब भी जाओगे फैमिली ट्रिप्स में तो इस गाड़ी को लेके जाओगे, और नई लुक के साथ ये गाड़ी और भी खूबसूरत बनने वाली है। नया इंटीरियर, नई टेल लाइट्स मिलने वाली है, नई हेडलाइट्स मिलने वाली है, नया बम्पर मिलने वाला है, फॉग लैंप्स मिलने वाली हैं जी आपको। अब ये पहले वाली स्टैंडर्ड इको नहीं रहेगी, अब ये एक प्रीमियम और बहुत ही ज्यादा फीचर लोडेड XUV बनने वाली है। LED टेल लाइट्स के साथ साथ आपको LED प्रोजेक्टर लैंप्स मिलेंगे, आपको एक नया इंटीरियर मिलेगा, आपको 17 इंच के व्हील मिलेंगे, ज्यादा बड़ी ग्राउंड क्लीयरेंस मिलेगी, और गाड़ी दिखने में बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है, और इसकी बुकिंग धड़ाधड़ होने वाली है। इनकेस आप भी ये गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो अपना नाम और स्टेट का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना जी। अब इस गाड़ी में ऑटो फोल्डेबल और ORBM मिलेंगे, एक डिजिटल एनालॉग आपको इंटीरियर मिलने वाला है, जिसमें स्पीडोमीटर मिलेगा, फ्यूल गेज मिलेगी आपको, टेम्परेचर की गेज मिलेगी, हेडलाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे, स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल मिलेंगे। हालांकि मुझे डाउट है कि इसमें क्रूज कंट्रोल आएगा या नहीं आएगा, मेरे हिसाब से प्राइसिंग को डाउन रखने के लिए मारुति इसमें क्रूज कंट्रोल जो है वो नहीं देगी, ये सिर्फ और सिर्फ मैनुअल वर्जन में आपको मिलेगी, इसमें कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा आपको। मारुति का वही नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, किसी तरह का कोई टर्बो इंजन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन नई सीट्स के साथ मिलेगी आपको, नई हाई टेक प्लेटफॉर्म पे इस गाड़ी को बनाया जाएगा, नई कलर स्कीम्स आपको मिलेंगी, और एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल MPV जो होती है उस रूप में इको निखर के बाहर आएगी। इन केस आप इस गाड़ी का वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आई होप कि ये गाड़ी आते ही एक काल मचा देगी मार्केट में, क्योंकि 5 से 6 लाख में कोई भी MPV नहीं आती इंडियन मार्केट में, और अब जैसे इंजनों में सिर्फ पेट्रोल इंजन का जमाना चल चुका है जी, डीजल बंद हो चुकी है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन ही में देखने को मिलेगा। अब बहुत सी एयरलाइंस जो हैं, जहां जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उन सिटीज में जितनी भी कंपनीज हैं, इसको एक MPV के रूप में खरीदेंगी, क्योंकि इसमें दो वेरिएंट जरूर आएंगे, एक तो आएगा जी इसका कमर्शियल, और दूसरा आएगा जी इसका नॉर्मल या पर्सनल वर्जन। वो आपको जो पर्सनल होगा उसमें सीट कैपेसिटी अप टू 7% होगी, तो 7 पैसेंजर उसमें बैठ सकते हैं। जो दूसरे वाली होगी उसमें आप सीट्स वगैरह निकाल के उसको कमर्शियल यूज के लिए भी यूज कर सकते हो। आई होप कि मारुति बहुत जल्दी इस गाड़ी को लेके आए, नए फीचर के साथ लेके आए, जो जो हमने फीचर डिस्कस की उस फीचर लिस्ट के साथ लेके आए, और इस गाड़ी आते ही मार्केट में भाई भोकाल मचा देगी, एक हरदम धमाका हो जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी को खरीदने वालों की लाइन टूटने नहीं वाली, इसकी बुकिंग जो है वो बहुत टाइम तक रहने वाली है, क्योंकि अब सबको अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली ट्रिप में जाना है, कोई बंदा दो कारें अफोर्ड नहीं कर सकता, इंश्योरेंस वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है, अब गाड़ी मेंटेन रखना बहुत महंगा हो चुका है, अदर देन कि आपको गाड़ी खरीदनी है। अब गाड़ी खरीदनी आसान लगती है, लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि स्पेयर पार्ट बहुत महंगे हो चुके हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ चुकी है, और पेट्रोल तो आपने देखा ही है कितना महंगा हो चुका है, तो गाड़ी एक ही रखना चाहता है बंदा फैमिली में, जिसे वो पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सके, उसके बाद अगर कहीं बाहर जाना है तो पूरी फैमिली गाड़ी में फिट हो जाए, और ऐसे में 5-6 लाख में अगर मारुति एक ऐसी इको लॉन्च करती है तो ये गाड़ी मार्केट में एक तहलका मचाने वाली है। तो आप सबकी तरह मैं भी इस गाड़ी का वेट कर रहा हूँ जी, आई होप नेक्स्ट ईयर तक ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी, वीडियो को लाइक भी कर देना, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपके लिए नई अल्टो के कुछ स्पाई शॉट्स में, नई अल्टो दिखाई गई है जिसमें उसमें एक
नया इंजन लगाया गया है जो देता है 40 से ज्यादा की फ्यूल एवरेज। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।